अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज जाने लगी हूँ मैं जैन के साथ सिटी। मुझे भी अपनी कुछ चीजें चाहिए थी वीकेंड के लिए। A few moments later, ये जैन सब आ गए, पहुंच गए हैं अब सिटी। और जैन का आज है क्या फन डे है जैन, क्या कहिए इट्स अ डे आउट विद जैन। इधर अच्छा है ना जैन, इधर आ, इधर चलते हैं। जैन ज़ारा, वी कांट बाय एनीथिंग फ्रॉम ज़ारा, ज़ारा शॉप। हम जा रहे हैं जॉलर्स जी, हम आ गए शाले तिलबरी। लेट मी चेक द लिपस्टिक्स। जी मैं और जैन जा रहे हैं जूही तो जूस लेने। यहाँ से हम अपना सैंडविच लेंगे। ये वो ना जैन, जॉनी डेप, जॉनी डेप जो फायर शॉप पे कैबिन में था। हाँ जी, मैं बताऊँ। चलो जी, मैंने लिया है विटामिन सी का ब्लूबेरी सिप, और साथ ये लिया है मैंने सूथिंग नाइट क्रीम। ये है अलीशा की और ये है मेरा। अच्छा, मैं यहाँ आई हूँ देखने वॉन्डरिंग के लिए रॉड, और ये हॉट ब्रश बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरा वाला जो है ना रेवोल्यूशन का, वो इतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं है उसके। ये ज़रा महंगा भी है, 179 का है, मगर 20% ऑफ लगा हुआ है, जो कि 140 समथिंग का मिलेगा। और ये इनका कर्लर ब्रश है, और ये है इनकी कर्लर रॉड, और ये है तो है। इसकी मैं प्राइस पता करती हूँ कितना कितने का, क्योंकि GHT कंपनी जो है वो सबसे बेस्ट है। इससे आपके बालों को इतना डैमेज नहीं ले करती है। और इनका ही देखें सारा डेमो दे रहे हैं। What you got? Oh my god. Thank you. ये देखिए जी, मेरा फेवरेट बबल जूस। जैन डोनट कौन सा लिया आपने? अब हम आए हैं JD, कुछ जैन के लिए देख लें। हाँ हाँ, बस इतनी पतली हो जाऊँ मैं। जैन के लिए देखने आई हूँ मैं कुछ ट्रैकीज, क्योंकि उस बेचारे के सारे छोटे हो गए हैं और ख़राब हो गए हैं। इतने बेचारा पता नहीं क्या फुटबॉल खेलता है, दागो दाग लगा दिए इसने। तो मैंने सोचा अब इसके लेने का टाइम आ गया। नहीं, यहाँ पे शाम, यहाँ पे ग्रोन अप्स के हैं बच्चा, बच्चों के किधर हैं? नहीं, आई हैव टू आस्क तो मैं, इसने बोला है ऊपर चलो। सब हम जा रहे हैं ऊपर। जैन जी मेरे से रनिंग कर रहा है। जैन मामा में हिम्मत नहीं है इतनी। चलो साथ साथ ही आया, अच्छा ज़्यादा फर्क नहीं आया। थैंक यू, आ जाए। A few moments later, जी जैन की शॉपिंग हो गई है। ये मैं आपको अब घर जाके दिखाऊंगी। आजकल यहाँ पे ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है ये वाला ब्रांड का मॉन्ट्रैक्स जी। चलो जैन की ईदी के कपड़े आ गए। जैन आप खुश हैं? आपकी ईदी के आ गए? यस। चलिए जी, अब चलते हैं टेल पे, जाके वहाँ पे दिल को धचका लगेगा। अभी ये मैंने सेल में लिए हैं, ये देखें, ये जो येलो टैग्स है ना, ये सेल के होते हैं, और सेल के बावजूद थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। हाँ जो भाई, लेट हो रहा है। आया थैंक यू। चलो जी, शॉपिंग होगी हमारी कंप्लीट, और मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। टाइम टू गो होम। अच्छा, 3 घंटे हो गए हमें। एंजॉय किया जैन ने? ओके। जी सिटी से आ गई वापस, और आके साथ ही बच्चों को खाना वगैरह दिया है, और देखें मैं क्या बन गई हूँ। बालों का हाल से अंदाजा हो गया होगा। ब्रश और ये देखें सफाई। अभी डेली का ब्रश मेरा लगता है, और ये पता नहीं मेरा गंद कहाँ से आता है। और ये आते साथ ही कांवली मासी बन गई हूँ मैं।
अभी सारा बर्तन धोया, शुक्र है खाना मैंने शाम में बनाया था, खाना परा हुआ था। अभी जब तक जैन की छुट्टियां तब तक प्रॉपर रूटीन में नहीं मैं आ रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता था कि मैं जैन को उठाती थी सुबह साथ साथ, मैं खाना रेडी करती थी, इसको रेडी करती थी, जैसे ये जाता था खुद रेडी होके ईशान को ड्रॉप करने जाती थी और वहीं से जॉब पे, ताकि वापस आती थी खाना बनाता था। अब ये कि ये स्कूल इसका सुबह होता नहीं है, ईशान आराम से उठता तो इतनी देर में मैं फिर उसको लेके सीधा निकल जाती, मुझे भी थोड़ा एक घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है रेस्ट के लिए, क्योंकि जैन सुबह जल्दी जाता है और ईशान को फिर उसके घंटे बाद मैं भेजती आधे घंटे बाद। तो खुद मैं भी सुस्त हो रही हूँ, अभी इसका नेक्स्ट वेनसडे से खुलेगा स्कूल तो मैं वापस रूटीन में आऊँगी, इसीलिए आजकल ये रूटीन हो रही है कि मैं शाम में खाना पे बनाती हूँ दोपहर तक चल जाता है और फिर वापस आती हूँ जॉब से रेस्ट करके आधा पौना घंटा, तो फिर मैं आके खाना बनाती हूँ। तो अभी मैंने शाम के लिए सोचा नहीं है क्या बनाऊँ, अभी 4:15 हो गए हैं तो अभी बच्चों से पूछती हूँ क्या उनकी प्रेफरेंस है तो फिर वो बनाती हूँ, और साथ साथ बस अभी ये सफाई करके अभी आज मॉप भी करूँगी, और बाकी मुझे रात को मैंने कुछ कपड़े सॉर्ट आउट किए क्योंकि पिछले दिनों जो ईद का था बच्चों की शलवार कमीज़ें लेकर हुई थी वो सारी मैंने सॉर्ट आउट की हैं, और अभी मुझे अपने कपड़े अपना रूम करना है तो वो करूँगी आज, और जो वीकेंड में पार्टी है उनके लिए गिफ्ट्स रेडी करने हैं वो भी आपको दिखाऊँगी साथ साथ। तो बस ये काम फिनिश करती हूँ क्योंकि एक खास मेरा काम नहीं होना, तो ये काम करके और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। चलिए जी सफाई करके आ गई हूँ मैं नीचे से, और मैं अब आपको दिखाती हूँ जो शॉपिंग की है, जैन दिखाने लगता हूँ। यहाँ पे मेरा ब्रांड एक निकला हुआ है मॉन्ट्रेक्स का, ये और ये एसएल प्राइस इसकी थी 24 जो कि मुझे मिला 12 पाउंड का, क्योंकि फुल प्राइस पे तो ये वर्थ नहीं करता, ये महंगे होते हैं यहाँ पे, तो आज सेल थी तो फिर मैंने इसके दो ट्राउज़र्स लिए हैं, दो टी शर्ट्स लिए हैं और दो टॉप्स लिए हैं, तो वो भी दिखाती हूँ। और एक ये लिया है मैंने इसकी समर के लिए टी शर्ट, ये मुझे मिली है 11 पाउंड की जो कि 22 पाउंड की थी। और एक ये मैंने इसका लिया है, ये अभी जो आजकल सर्दियाँ इतनी गर्मियाँ आई नहीं है, और ये भी इसी तरह 12-13 पाउंड का। और साथ एक ये विंटर का मैंने लिया है इसका ग्रे, ये सारे मॉन्ट्रेक्स की मिले क्योंकि इसको आजकल यही पसंद आ रहे हैं। एक ट्राउज़र ये है, अच्छा एक दो एक इसने पहना हुआ है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अच्छा एक ये मैंने लिया है विटामिन सी का सीरम जो कि मैं पहले भी यूज़ करती थी मगर ये ख़त्म हो गया था तो ये दोबारा मैं लेकर आई हूँ। एक ये लिया है अलीशा ने ज्वेलरी, क्योंकि ये कह रही थी कि आज का मामा बहुत इन है, तो ये एक इसने नेकलेस लिया है, ये बहुत प्यारा है, और साथ इसने एक ये लिया है एरिक और नेकलेस। तो शॉपिंग होगी आज की कंप्लीट, बाकी के मैं आपको जैन का दिखाती हूँ जो इसने पहना वो भी मैंने लिया। एक लिया ट्राउज़र मैंने इसका लिया है, साथ ही ये लिया है, तो मैं इसको बोल रही हूँ कि ब्लू पहने क्योंकि आज बाहर ज़रा अच्छी धूप निकली है, तो ये विंटर का आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाने लगी हूँ, और वो है हेयर प्रोडक्ट जो मैं रेगुलर बेसिस पे अपने यूज़ करती हूँ, और वो है ये महानूर शहजाद का हेयर फेयर का सीरम जो कि मैं पाकिस्तान से मंगवाती हूँ, एंड थैंक्स टू यू महानूर के मुझे मुझ तक पहुँच जाता है किसी न किसी तरह। तो ये मेरी 5वीं या 6वीं बॉटल है, मैं पिछले 1 साल से ये यूज़ कर रही हूँ, और मैंने यहाँ इंग्लैंड में बहुत से डिफरेंट ब्रांड्स के सीरम्स यूज़ किए मगर इस जैसा वाकई कोई नहीं है, और मैं कोई और नहीं यूज़ करती सिवाय इसके, जैसे ही कोई आता है मैं उसके हाथ 5-6 बोतलें मंगवा लेती हूँ जो मेरी आराम से 5-6 महीने चल जाती हैं। तो अभी ये लास्ट बॉटल मेरी रह गई है, और मैं अब यही सोची थी कि मैं अब जब ये ख़त्म होगी तो मैं नेक्स्ट वाली कहाँ से मंगाऊंगी, और इसकी पैकेजिंग इतनी कोई कमाल की है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये प्रॉपर बबल रैप में होकर आया था ये वाली बॉटल इसी इसके साथ बॉक्स के साथ, और बॉक्स के साथ भी अंदर कितनी अच्छी पैकिंग है मैं भाई आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी इसकी नोज़ल है, और ये इसकी बॉटल जो कि अंदर से प्रॉपर सील्ड है, ये देखिए मैंने खोला है, और इसको आप मैं शॉवर के बाद जब मेरे हल्के से डैम्प हेयर होते हैं तो ये मैं अपने बालों में लगाती हूँ, इसके अलावा जब मैंने स्ट्रेट करने होते हैं तो मैं जैसे मैंने बेशक आज शॉवर लिया और मैंने कल स्ट्रेट करने हैं तो मैं कल स्ट्रेट करने से पहले करूँगी, क्योंकि ये आपके लिए हीट प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं और इससे बाल बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते। तो मैं थोड़े से मैंने फ्रंट पे लगाए हैं और ये बॉटम पे, ये आपको अभी लग रहा है कि ऑयली है मगर थोड़ी देर बाद गुजरेगी तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा बालों का टेक्सचर, ये बालों में जान आ जाती है, जो मेरे बाल पहले नीचे से बिल्कुल ही डेड एंड थे अब वो बहुत बेहतर हो गए हैं इससे।
अच्छा, इसके अलावा ये हेयर सीरम मैं हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ। ये आप पाकिस्तान में अगर हैं तो डेफिनेटली इसको ऑर्डर करेंगे और आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा इसको ऑर्डर करके। और ये अच्छी रीजनेबल प्राइस में और इनकी ऑफर्स भी लगती रहती हैं। इनका जो पेज है उसका मैं नीचे इंस्टा आईडी लगा रही हूँ और जो पेज का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहाँ पर भी देखिएगा। इनके पास 2-3 डिफरेंट ऑयल्स हैं जो मैंने मंगवाया था। एंटी हेयर फॉल है एंड हेयर ग्रोथ बूस्टर ऑयल है जो कि अच्छा है। मैं इसे इतनी सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि इसमें कैस्ट्रॉयल मुझे थोड़ा सा मकदार ज़्यादा लगी है। मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी और कैस्ट्रॉयल मेरे बालों को सूट नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा मेरे बाल उससे उतरते हैं। तो मगर मुझे जो इस तरह का ऑयल है वो मुझे ज़्यादा सूट करता है। इनका सीरम मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा इस तरह वाला जो ऑयल है वो मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे उसके अच्छे ज़्यादा इफेक्ट्स रिजल्ट्स मिले हैं एज कम्पेयर टू दिस वन। मगर जाहिर सी बात है हर एक का बालों का टेक्स्चर डिफरेंट होता है, किसी को ये सूट करता है किसी को डिफरेंट। तो हेयर सीरम तो मैं इनका हाईली रिकमेंड करूँगी। अच्छा, आपको दिखाती हूँ जो मैंने सैटरडे की दोपहर का ईद लंच अटेंड करना है तो उसके लिए मैंने जो गिफ्ट है पर देखे मैंने बनाया है, उसमें क्या क्या है। एक मेहंदी रखी है, चूड़ियाँ हैं, कैंडल है, देखिए कैंडल सेट है, कैंडल है। इसके अलावा ये चटनी है और ब्लॉसम हनी है, टी बैग्स है। इसके अलावा ये कुकीज़ हैं। इसके अलावा ये है कैनोली और ये है छोटे से मिनी कपकेक चॉकलेट किचन। ठीक है, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। चलिए जी, आज डिनर में बनने लगा है तवा चिकन। और तवा चिकन के लिए मैंने सबसे पहले अपना स्टीमर निकाल लिया क्योंकि पहले मैं स्टीम करूँगी और फिर उसके तवे पे पकाऊंगी। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक स्टीमर है, तो अब मैंने पहले मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को। इसकी 3 लेयर्स हैं, 1, 2 और 3। तो 3rd वाली मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि जब ज़्यादा चिकन होता है तो वो फिर काम आती है। अभी सिर्फ 4 पीसेज है चिकन के, तो आज सिर्फ 2 लेयर्स काम आएंगी। और ये भी मैं इसलिए कर रही ताकि खुला डुला आ जाए, वरना तो 1 भी काफ़ी था। तो इसके अलावा मैंने पानी नीचे डाला है, वो देखे मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे आधा। और अब ये जाएगा इसके अंदर और जितनी देर में ये रेडी होगा मैं इसके साथ बाकी चीज़ें जो कटिंग में करनी है, धनिया, लेमन और प्याज की, वो मैं साथ कर लेती हूँ। जितनी देर में ये होगा इसको मैं वॉर्म कर लूँगी 40 मिनट्स के। ये इलेक्ट्रिक मेरा है तो अब ये 40 मिनट्स के लिए बन जाएगा। तो फिर आराम से, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी क्योंकि तवे पे भी पकना है इसमें, तो हो सकता है मैं पहले बंद कर लूँ। तो 35-40 मिनट के लिए अब ये कुक होगा इसमें। चलो जी, बच्चों के लिए मैंने काटे हैं कुछ फ्रूट्स, ये देते हैं उनको। अब ये ले जैन, ये देखें सारा खिलारा डाल के मैं चली गई थी ऊपर नीचे। और ये देखिए अभी सारी मैंने अपनी ये वार्डरोब साफ की है, ये भी सारा मुझे साफ करना है। अपनी ये वार्डरोब भी मैंने साफ की है, वहाँ पे वेस्टर्न कपड़े होते हैं मेरे, इधर ईस्टर्न होते हैं। और ये देखें सारी छांटी की है, नीचे मैंने साफ की है हील्स फुटवेयर वाला, और ये सारा साफ किया है। और बस ये रह गया है और अभी गिफ्ट्स बनाने हैं। ये सारे मैंने चैरिटी के कपड़े निकाले हैं यहाँ से, अभी वो सॉर्ट आउट करने हैं। जो मुझे पैकिंग करनी है वीकेंड के लिए, वो काम मैंने वो रखा हुआ है। और क्योंकि मैंने ये बैकपैक एक निकाला था मगर अब सब कह रहे हैं कि ये बहुत छोटा होगा, तो अब मैं एक दफ़ा लॉफ्ट में भी चढ़ के देख लूँगी कि कोई इससे थोड़ा बड़ा साइज़ का है कि नहीं, क्योंकि ये है 30 सेंटीमीटर, तो मुझे 45 सेंटीमीटर तक अलाउड है, तो वो मैं इतना बड़ा ले सकती हूँ। तो मैं जो ऊपर से निकाल के देखना पड़ेगा, और वैसे भी इसमें तो मेरा कख नहीं आना। और बाकी ये भी गिफ्ट पड़े हैं, 2 गिफ्ट और मुझे सॉर्ट आउट करने हैं, काम बहुत है। नीचे अभी चिकन बना कर आई हूँ, फटाफट ये समेटूँ, पहले ये उठाती हूँ फिर बाकी ये काम करूँ। चलें जी, काम है काफ़ी हद तक कर चुकी हूँ, सिर्फ मेरे अभी गिफ्ट्स रह गए हैं और थोड़ी सी मेरे जो मेकअप वाला एरिया उसको मुझे एडजस्टिंग करनी है। मगर भूख मुझे इतनी लग गई थी तो मैंने सोचा अभी थोड़ी सी ब्रेक लूँ, खाना खाऊँ और फिर उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। देखिए मैंने ना अभी प्याज काटे हैं, सारा मेरा मेकअप फैल गया, कोई बात नहीं। आपको दिखाती हूँ जो क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये पहले मैं आपको चिकन दिखाऊँ, स्टीम अच्छे से हो गया, ये देखें स्टीम हो गया, ये खुद ही बंद हो जाता ऑटोमेटिकली। तो अभी ये मैंने तवा ऑन की है, हाँ घर की करूँ, मैं इसमें डालूँगी ऑयल और मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं।
जो जो चीज़ें इसमें चाहिए वो है, मैंने स्लाइस्ड अनियंस काटे हैं, धनिया काट के रखा है, स्प्रिंग अनियन है, हरी मिर्चें हैं, लेमन मैं क्योंकि फ्रेश यूज़ करती हूँ, मेरे घर आज ख़त्म हो गया था तो मैं लेमन जूस यूज़ करूँगी। और इसके अलावा योगर्ट लेना है हमने, और योगर्ट में मैंने सिर्फ काली मिर्च, नमक और ज़ीरा डाला है। अगर आपको स्पाइसी फूड पसंद है तो आप इसमें चिक्का बोटी या कोई भी एक मसाला आप डाल सकते हैं, हरी लाल मिर्चें मत डालें। इसके अलावा आप कोई भी डब्बे का पैकेट यूज़ कर सकते हैं, टिक्का बोटी का या चरगे का, कुछ भी एनीथिंग जो, मगर मुझे इतना स्पाइसी फूड पसंद नहीं है तो इसलिए मैं सिर्फ ये हरी मिर्चें डालूंगी और ये काली मिर्च। वैसे मैं नॉर्मली हरी मिर्च भी अपने लिए यूज़ नहीं करती, ये मोटी वाली लाख हरी मिर्च होती है जो कि इतनी शार्प भी नहीं होती, तो वो बड़ी वाली होती है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अब इसको करेंगे साइड पर, सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे चिकन ऑयल के ऊपर, मैंने ऑयल डाला हुआ हल्का सा, चाहिए चिकन के हम कट्स लगवा के लाए थे तो इसीलिए इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, मसाला अंदर अच्छे से चला जाएगा। अब इसके ऊपर मैं सबसे पहले डालूंगी योगर्ट, ये देखिए मैंने योगर्ट डाल दिया है, इसके ऑलरेडी ये कुक्ड है तो बस हमने इसको थोड़ा सा ही पकाना है 5 मिनट के लिए। इसमें हम लेमन जूस भी डाल देंगे ताकि इसके अंदर अच्छा सा, मुझे ज़्यादा सा लेमन पसंद है, उसका मुझे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप लेमन ज़्यादा डाल रहे हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि नमक आपने फिर उसकी मकदार कम नहीं रखनी, क्योंकि खटास से जो नमक की टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो इसलिए नमक मैंने इसमें थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा डाला। तो ये इसको पकेगा, साथ में साथ में चम्मच हिलाती हूँ। ये मैंने अब उल्टा करके अब इसके ऊपर भी योगर्ट का डाला थोड़ा सा, ताकि इसमें भी अच्छे से ये टेस्ट आ जाए। अब मैं साथ डालूंगी हरी मिर्चें। मसाला जब इसका ड्राई होने लगे आस्ता आस्ता तो आप इसमें अभी ये डाल दें प्याज, और यहीं पे इसी जगह पे ही हम लेमन भी जो उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस करते हैं वो भी डाल देते हैं, मगर अब लेमन नहीं है तो अब ये मैं इसको ये डाल देती हूँ। साथ मैंने ये डाल दूँगी स्प्रिंग अनियन, और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें धनिया, प्याज है क्योंकि इसमें सॉसे करेंगे, ज़्यादा पकाना नहीं है इसको। ये कुक्ड हो जाए ऑलमोस्ट, तो इसके ऊपर आप एक टॉर्टिला रैप की रोटी रखेंगे ताकि वो भी गर्म हो, तो हम इसको उल्टा करके फिर प्लेट में सर्व करेंगे। ये हो गया मेरा तवा चिकन रेडी, साथ ही मैं इसके थोड़ी सी डालूंगी इमली की चटनी और इंजॉय करके खाएंगे। देखें जी जैन ने अपना बर्गर बनाया है खुद से, है जैन खुद बनाया आज अपने प्रोफेशनल जी, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह खुद ही, अब भूख लगती है तो खुद ही कुछ ना कुछ बना लेते हैं। ये एयर फ्रायर में से चिकन की है और ये रेडीमेड चिकन मिलता है हलाल जो कॉस्को से आपने देखा होगा अक्सर, और ये इसने बर्गर टोस्ट में करके और ऊपर मेयोनीज लगाई है। चलें ना जाके अब जल्दी से खा लें, चलें पहले ये वाला मैं दे आती हूँ आमिर के लिए और फिर मैं आके अपने लिए इसी तरह का और बना लेती हूँ। और बनाऊँगी अपने लिए, इसके लिए तवा दोबारा से धोना पड़ेगा मुझे। आमिर से तो मैंने हल्की सी सुलह करने की थी मगर आमिर ने कहा तो खैर अब मैंने दोबारा बनाती हूँ। हालांकि भूख इतनी लग रही थी दिल चाह रहा था खा लूँ, मगर बस वाइफ ड्यूटीज जी, वाइफ ड्यूटीज, कोई बात नहीं आज मैं। चलिए खाना खाने के बाद हो गया मेरा डिज़र्ट टाइम, साथ ही मैंने नेटफ्लिक्स पे मूवी लगाई है आर्टिकल 370। चलिए जी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।